हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, लाइव जुड़ जाइएगा आज की क्लास से। इससे पहले मैंने फिजिक्स की क्लास आज करवाने का प्रयास किया, जरूर था, ठीक है। तो और आपका मिला जुला रेस्पॉन्स जो मुझे देखने को मिला है उस पर भी विचार किया जाएगा। तो एक बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव से जुड़ जाइएगा। तो हम बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के जो बच्चे एम्स, आरयूएचएस या किसी और स्टेट से जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनकी तैयारी करवा रहे हैं। और मेरे साथियों, पिछले एक महीने से लगातार आपकी क्लासें चल रही है और आज दो दिनों की पहले हमने दीपावली की वजह से जो है छुट्टियां कर रखी थी, आज वापस लाइव क्लास आपके साथ। तो साथियों, एक बार जुड़िएगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आ जाइएगा एक बार लाइव अधिक से अधिक संख्या में। फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ लाइव में जो स्टूडेंट जुड़े हैं, मिस्टर जगदीश यादव, दिव्यांशी चौधरी, प्रदीप चौधरी, अनुराग शाहू, अमित यादव, कमल प्रजापत, किंग ऑफ भरतपुर, सरजीत सैनी, वेरी गुड इवनिंग, पुलकित मीणा, साक्षी जोशी, प्रदीप चौधरी, प्रहलाद गोस्वामी, दीपक कुमावत, इसके अलावा स्वान मीणा, मोतीराम, अनुराग साहू, मोनिका, शालिनी जांगिड़, जयप्रकाश मेहरिया, इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर लोकेंद्र सिंह, जयेश देवासी, राहुल, और इसके अलावा हमारे साथ है संजय कुमावत, राखी सैनी, बबीता जी, दीपक कुमावत, और इसके अलावा है हितेश कुमार। और हमारे साथ बहुत से स्टूडेंट जुड़ रहे हैं आज की लाइव से। तो एक बार फिर दीपावली के बाद आपके साथ हाजिर है मेरे दोस्तों लाइव क्लास में। और आज डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक। और इस केमिस्ट्री की क्लास के जस्ट बाद में 5:30 बजे से आपको बायो की क्लास मिलेगी। और मेरे कुछ साथी दीपावली की वजह से शायद बायो की एक क्लास मिस कर चुके होंगे। मेरे दोस्तों, एक दीपावली स्पेशल क्लास मैंने चलाई थी जहां पर मैंने बायो का रेस्पिरेशन टॉपिक शुरू किया था, रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो हर एक स्टूडेंट वो वीडियो पहले जरूर देख लेना। आज आपको पादपों में श्वसन का पार्ट सेकंड मिलने वाला है, तो सभी विजिट जरूर करना। केमिस्ट्री में आज नया टॉपिक शुरू करवा रहा हूं मेरे साथियों। तो एक बार के लिए सभी लाइक कर दे, इस सेशन को सभी लाइक कीजिएगा मेरे साथियों। हर एक बात बढ़िया तरह से समझाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, आपको वास्तव में लगेगा कि चीजें जो भी पढ़ा रहा हूं वो आपके समझ के एक तरह से अनुदेश है। अब देखिएगा, स्टार्ट कर दें क्या आज की क्लास? एक बार थम्स अप का साइन कीजिए, स्टार्ट कर दें क्या क्लास? मेरे साथियों, आगाज करते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हम आज जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो है आपका सोलिड स्टेट। सोलिड स्टेट का मतलब होता है मेरे दोस्तों ठोस अवस्था। तो जो टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूं वो है मेरे दोस्तों ठोस अवस्था। आपको मैं जो भी केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा व्यवस्थित, बढ़िया तरह से पढ़ाऊंगा। आप बिलीव करना मेरे दोस्तों, जितनी भी बातें समझाऊंगा हर एक पॉइंट आपका क्लियर करवाते हुए ही आगे बढ़ूंगा, आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको केवल और केवल बड़ी शिद्दत और ईमानदारी से पढ़ना है बस। तो सुनिए, ठोस अवस्था या सोलिड स्टेट हमारे टॉपिक का नाम है। सबसे पहले तो हम बात इस पे करेंगे कि आखिर एक सोलिड यानी एक ठोस है क्या। तो जब हमारे से यह पूछा जाए कि ठोस या सोलिड आप किसको कहोगे, तो सीधी सी बात है, यह पदार्थ की एक अवस्था है। यह पदार्थ की एक क्या है? अवस्था है। तो जब बात आती है पदार्थ की अवस्था की, तो क्या मुझे यह जानने का हक नहीं है कि पदार्थ या मैटर कहते किसे हैं? तो मेरे दोस्तों याद रखना, जब भी बात पदार्थ की आती है तो आप कभी भूलना मत, सबसे पहली चीज तो ये याद रखना, ऐसी चीजें या ऐसी वस्तुएं जो क्या घेरती हो मेरे दोस्तों, स्थान, जो क्या घेरती हो, स्थान घेरती हो, सबसे पहली बात, जिनका कोई ना कोई क्या होता हो मेरे दोस्तों, जिनका कुछ द्रव्यमान भी हो, ठीक है। एक तो जो क्या घेरे, स्थान, या जिनका क्या हो कुछ द्रव्यमान हो, या उनका मैं दूसरे शब्दों में ऑब्लिक करके क्या लिख देता हूं, वेट, ठीक है। या मेरे दोस्तों मैं यह भी कह सकता हूं कि जिनका कुछ आकार हो, जरूरी नहीं है
जरूरी नहीं है कि सभी का आकार फिक्स हो या नहीं हो, लेकिन मैं दो बातों पे पुनः बल देना चाहूंगा जब बात पदार्थ की आए तो। एक तो जिनका क्या हो मेरे दोस्तों, द्रव्यमान, और एक जो क्या घेरते हो मेरे दोस्तों, स्थान घेरती हो, उसको अपन क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। याद रखना ये नाम जब भी आपके सामने आते हैं तो इनका अर्थ आप भली भांति जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बात यह आती है कि आखिर पदार्थ की अवस्थाएं हैं कितनी। मुख्य रूप से जब पदार्थ की अवस्थाओं की बात आती है तब पदार्थ की मेरे साथियों मुख्य तौर पर कितनी अवस्था है, तीन अवस्था है। अब आप कहोगे सर तीन अवस्था कौन सी, ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं जीरो से पढ़ाना चाहता हूं, हर एक बात आपके क्लियर हो मेरे दोस्तों, ठीक है। और लेब असिस्टेंस का बैच भी बहुत जल्द शुरू हो रहा है, वैसे जो बच्चे लेब असिस्टेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो इस क्लास को देख सकते हैं, उनके ये सिलेबस में है। तो देखिएगा पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं मेरे दोस्तों, तीन। एक तो कौन सी अवस्था, ठोस अवस्था, दूसरी मेरे दोस्तों द्रव अवस्था, और तीसरी कौन सी है, तो तीसरी है मेरे दोस्तों गैसीय अवस्था। तो पदार्थों की मुख्य तौर पर कितनी अवस्था है, तीन, ठोस, द्रव और गैस। एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूं, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने मेरे दोस्तों आइंस्टाइन के जो सूत्र थे उनकी मदद से एक पदार्थ की अवस्था तैयार की थी, वो अवस्था कौन सी है। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि पदार्थ की चौथी और पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, आप उनका नाम बताइएगा, जल्दी कीजिएगा शाबाश, पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था कौन कौन सी है। वेरी गुड, सबसे पहला आंसर किसका आता है देखते हैं। यहां पर सबसे पहले जो आंसर दे रहे हैं यहां पे प्रदीप चौधरी, इसके अलावा किंग ऑफ भरतपुर, इसके अलावा साक्षी जोशी, दीपक कुमावत, इसके अलावा हमारे जसवंत सियाग, दीपक कुमावत, भंवरलाल मेघवंशी, जयेश देवासी, राहुल श्यामलाल। एक निवेदन करूंगा मेरे साथियों, एक बार शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है और आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर इस लिंक को अभी के अभी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जो भी फ्रेंड और दोस्त हैं उन तक भी ये लिंक पहुंच जाए, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आगाज करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, कह रहे हैं क्या प्लाज्मा अवस्था, और एक नाम बता रहे हैं बीईसी। मेरे दोस्तों बीईसी जिसे आप बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, क्लियर है क्या। चलो अब मेरे दोस्तों सबसे पहली और सबसे मुख्य बात तो यही है कि मेरा ये टॉपिक किस पर डिपेंड है, पूरा सॉलिड स्टेट पर, ठोस अवस्था पर, तो मैं सॉलिड स्टेट की ही बात करूंगा, क्लियर बात। लेकिन आप जानते हो कि ठोस, द्रव और गैस में कुछ स्पेसिफिक अंतर है वो हमें पता होने चाहिए। कई बार बहुत से बेसिक क्वेश्चन जो है हम गलत कर देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से डील करना है। तो मैं तीनों अवस्थाओं के बारे में संक्षेप में अंतर बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ और ठोस से रिलेटेड चीजें समझाने वाला हूं। तो देखिए मेरे दोस्तों सबसे पहले हम लक्षणों की बात करेंगे, एक तरफ आप हर एक चीज नोट करोगे तो बढ़िया रहेगा। एक ठोस, अगली अवस्था द्रव, और अगली अवस्था मेरे दोस्तों कौन सी, गैस। अब सुनिएगा, अब हम बात करें सबसे पहले करैक्टर की, सबसे पहले लक्षण की, तो मेरे साथियों सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, आकार की। आप ही मुझे बताइएगा ऐसी कौन सी भौतिक अवस्था है जिनका आकार नियत या निश्चित होता है, जिनका आकार निश्चित होता है। याद रख लेना मेरे दोस्तों, दुनिया में एकमात्र ऐसी अवस्था है ठोस, याद रख लेना, किसका आकार निश्चित, तो कभी भूलना मत, केवल और केवल सॉलिड एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसका आकार निश्चित होता है, ना तो द्रव का और ना ही गैस का आकार निश्चित होता है मेरे दोस्तों, याद रखना। अब अगर हम बात करें किसकी, आयतन की, यानी वॉल्यूम की बात करें मेरे दोस्तों, तो आयतन किस किस का निश्चित होगा,
अगर मैं दूसरे शब्दों में पूछूं कि ऐसी भौतिक अवस्था का नाम बताओ जिसका आयतन, याद रखना मेरे दोस्तों, ऐसी भौतिक अवस्था का नाम बताओ जिसका आयतन, याद रखना, अनिश्चित होता है। मैं क्या कह रहा हूं, जिसका आयतन अनिश्चित है, तो वो एकमात्र अवस्था कौन सी मेरे दोस्तों? गैसीय अवस्था। इसका क्या अनिश्चित है? आयतन। इसका मतलब आयतन द्रव का भी निश्चित है और आयतन ठोस का भी निश्चित है। अब मेरे दोस्तों तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है कणों के मध्य की दूरी। हर एक पदार्थ किससे मिलकर के बना है मेरे दोस्तों? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। इस बात को हम कतई जो है इसका इनकार नहीं कर सकते। इसलिए मेरे दोस्तों इस जानकारी को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, जब मैं बात किसकी कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कणों के मध्य की दूरी की। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे साथियों, कणों के बीच की दूरी, कणों के मध्य की दूरी सबसे ज्यादा किसमें होती है भैया? गैस के कण ही तो दूर दूर होंगे। यदि गैस के कण दूर दूर होंगे तो गैस के कणों के बीच की दूरी क्या होगी? सबसे अधिक। क्या मेरे दोस्तों? सबसे अधिक। बताइएगा वह कौन सी अवस्था है जिसके कण पास पास होते हैं? वो अवस्था है आपकी कौन सी? ठोस। इसका मतलब यहां कण सबसे ज्यादा क्या होंगे? पास पास के दो नजदीक, यानी सबसे कम दूरी अगर कणों के बीच की है तो वो ठोसों की, सबसे ज्यादा दूरी अगर है तो वो गैसों की। ठीक है, द्रव जो है, द्रव के कणों के बीच की दूरी ठोस से थोड़ी ज्यादा होगी और गैस से कम होगी। तो अगर मैं मध्यम लिख दूं तो मैं गलत नहीं लिख रहा। अब बात आती है अंतरा आणविक आकर्षण की। याद रखना मेरे दोस्तों, अंतराणविक आकर्षण की बात जब जब भी आए मेरे दोस्तों, तो यहां पे एक पॉइंट याद रखना, या जितने भी ये कण या जो अणु होंगे जो किसी भी पदार्थ को बनाने का काम करते हैं, उन अणुओं के बीच में इन कणों का क्या लगता है मेरे दोस्तों? ये जो कण है, ये जो अणु है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। आप ही मुझे बताना, जैसे कि ये मोबाइल है, ये 21 अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, और बाहर का ये जो पूरा वायुमंडल है ये गैसीय अवस्था में है। मैं बड़ी आसानी से इसके अंदर से हाथ को मूवमेंट करा सकता हूं, गति करा सकता हूं। इसका मतलब ये कण बहुत ज्यादा दूर दूर है, इसलिए इनके बीच आकर्षण बहुत ज्यादा नहीं है। तो जैसे ही मैंने दबाव डाला, इनके बीच का आकर्षण टूट गया। लेकिन क्या ऐसा मैं इस मोबाइल के अंदर से कर सकता हूं? क्या नहीं? क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच क्या ज्यादा है? आकर्षण ज्यादा है मेरे दोस्तों। तो सबसे ज्यादा अंतर आणविक आकर्षण किसमें होता है? ठोसों में। और याद रखना, नगण्य आकर्षण किसमें होता है मेरे दोस्तों? गैसों में। और मध्यम आकर्षण किसमें होता है मेरे दोस्तों? याद रखना, द्रव में। ये बात अगर आप याद रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है संपीड्यता की। संपीड्यता, अब संपीड्यता सबसे पहले तो कहते किसको है? संपीड्यता का मतलब यह है मेरे दोस्तों कि जब कोई पदार्थ है और उसे दोनों ओर से जब हम दबाते हैं, दबाने पर उसके कण क्या आते हैं? पास पास। तो मेरे दोस्तों जब गैस है, गैस के कणों को यदि संपीड़ित करोगे वो आराम से पास पास आ जाएंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि उनके बीच बहुत दूरी है। लेकिन अगर गैस को आप संपीड़ित करोगे तो उसके कण पास पास आ जाएंगे, क्योंकि उनके बीच बहुत दूरी है। लेकिन क्या ठोस को संपीड़ित कर सकते हो? क्या नहीं? क्योंकि ठोसों के कणों के बीच दूरी बहुत ज्यादा नहीं होती। तो संपीड्यता सबसे कम, संपीड्यता सबसे कम किसमें होती है मेरे दोस्तों? ठोसों में। और संपीड्यता सर्वाधिक किसमें होती है मेरे दोस्तों? गैस में। और मध्यम किसमें मेरे दोस्तों? द्रव में। ये वे लक्षण हैं जो ठोस को द्रव और गैस से अलग करते हैं। याद रख लेना, यह बात भूलनी नहीं है। अब आगे चलते हैं और गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं मेरे दोस्तों। ये नाम आपने जरूर सुने होंगे, गलनांक एंड क्वथनांक। तो सुनिएगा, जब भी बात आती है फ्रीजिंग पॉइंट की, ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेरे दोस्तों यहां कुछ बातें आपको ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, मैं लेकिन पहले सबसे पहले अपन बात करेंगे एक तो किसकी? गलनांक की। और एक किसकी बात करेंगे मेरे दोस्तों?
क्वथनांक की, दोनों ही क्या है, टेम्परेचर है, दोनों ही ताप है, एक बात तो याद रख लो। ठीक, अब सुनिएगा, इसमें से वह कौन सा टेम्परेचर है जिसका सीधा सीधा संबंध सोलिड से है। सीधा सीधा संबंध किसका सोलिड से है मेरे दोस्तों, गलनांक का। क्यों? क्योंकि गलनांक वो टेम्परेचर है जिस पर कोई सोलिड, जिस पर कोई ठोस किसमें बदलता है, लिक्विड में, यानी किसमें बदलता है, द्रव में। तो मेरे दोस्तों ठोस को दिया गया वो ताप जिसके कारण ठोस किसमें कन्वर्ट हो गया, द्रव में, उस ताप का नाम क्या है मेरे दोस्तों, उस ताप का नाम है गलनांक। याद रख लेना यह बात। ठीक है, अब अगर बात करें किसकी, क्वथनांक की, तो क्वथनांक क्या चीज है, तो मेरे साथियों क्वथनांक का संबंध लिक्विड से है। मैंने पानी लिया और पानी को उबालना शुरू कर दिया, तो जब मैं पानी को उबालूंगा तो उसके अंदर के कुछ कणों की गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और वो अपनी अवस्था को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मेरे दोस्तों द्रव को दिया गया वो ताप जिस पर द्रव किस में बदल जाए, गैसीय अवस्था में, उसे क्या कहा जाता है, क्वथनांक। याद रखना ये बात, आपको भूलनी नहीं है। जैसे मैं पानी की बात करता हूं, पानी का क्वथनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड मेरे दोस्तों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या मेरे दोस्तों 373 केल्विन। ठीक है, अब सुनिएगा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद बात तो ठोस पे आके आती है कि भाई जो ठोस के कण है, ठीक है, जब मैं ठोस अवस्था की बात करता हूं तो आप मुझे यह बताना, जब ठोस के कण बहुत ज्यादा पास पास होंगे तो आप ही मुझे बताना मेरे दोस्तों, इनके बीच का अंतर आणविक आकर्षण बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा। तो आप कहोगे सर ठोस के कण जब पास पास है तो आकर्षण ज्यादा है, तभी तो पास पास है, तो सर्वाधिक अंतर आणविक आकर्षण किसमें होगा, ठोसों में होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे ज्यादा तापमान किसको देना पड़ेगा, सबसे ज्यादा तापमान ठोसों को ही देना पड़ेगा, तब जाकर के अपनी अवस्था को क्या करेंगे, बदलेंगे। तो गलनांक और क्वथनांक अधिक किसका है मेरे दोस्तों, तो किसका ज्यादा है, ठोसों का। ठीक है, और जब आप इसे तापमान दोगे तो एक ऐसा ताप होगा जिसके ऊपर इन कणों के बीच का जो ये आकर्षण है ये समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होते ही कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और ये अपनी अवस्था को क्या कर देंगे, बदल देंगे। अब यहां पे बात आती है कि सोलिड जो है, ठोस जो है, वो दो प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों, एक का नाम है क्रिस्टलाइन सोलिड और एक है एमोर्फस सोलिड, यानी एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। एक छोटा सा क्वेश्चन इससे जरूर बन सकता है, आप इसे जरूर मोस्ट डालना मेरे दोस्तों, एक नॉर्मल प्रश्न यहां से पूछा जरूर जा सकता है, याद रखना। और इसके अलावा भी आणविक और आयनिक ठोस से रिलेटेड, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सह संयोजक ठोस, इनसे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आए हैं मेरे दोस्तों। तो याद रखना, पहले अपन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करते हैं। बहुत बार नाम सुना होगा क्रिस्टल, और जब आप पॉलीमर पढ़ते हैं मेरे दोस्तों बहुलक, वहां पर भी इन चीजों के बारे में जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा, तो मेरे दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस की मैं पहले बात करूंगा। क्रिस्टलीय ठोस की जब जब भी बात आती है, पहले दो उदाहरण बता दूं जिससे चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। सुनिए, जैसे कि हमारे पास एक है ग्लास यानी कांच, ठीक है, और एक है हीरा। ठीक है, याद रखना मेरे दोस्तों, डायमंड जो होता है वो एक तरह का क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस है। क्लियर बात है? अब सुनना मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो क्रिस्टल शब्द अगर कहीं आए तो एक बात मेरे साथियों याद रखो, क्रिस्टल का मतलब ही यह होता है कि जिसमें कणों का अरेंजमेंट निश्चित हो, फिक्स हो। जैसे कि मैंने यहां पे एक कोई ठोस पदार्थ है और जिसमें कण कुछ इस प्रकार से अरेंज है, तो आप इस तरह की व्यवस्था को क्या कहोगे, इसे आप क्रिस्टलीय ठोस कहोगे।
लेकिन यदि एक ठोस तो है बट उसमें कणों का अरेंजमेंट क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, तो उसको आप अक्रिस्टलीय ठोस कहोगे। सीधी सी बात है, तो कण की व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के अंदर कणों की व्यवस्था क्या है मेरे दोस्तों? निश्चित है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था क्या है? अनिश्चित है, कभी भूलना मत मेरे दोस्तों। अगले पॉइंट की बात करता हूं, ज्यामिति, ज्योमेट्री की बात करूं, ज्यामिति की बात करूं, आकार की बात करूं, तो मेरे दोस्तों याद रखना, जब भी आप किसी क्रिस्टलीय ठोस को देखोगे आपको उसकी ज्यामिति निश्चित दिखेगी, एक फिक्स आकार और स्वरूप दिखेगा। तो याद रखना, यहां पर क्रिस्टलीय ठोस की क्या निश्चित होगी? ज्यामिति। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनकी ज्यामिति कभी भी निश्चित नहीं होती मेरे दोस्तों, याद रखना। जैसे जैसे कि एक पॉलीथीन, उसके अंदर मैंने बहुत सी ठूस ठूस की बोतलें और प्लास्टिक वगैरह भर दी और उसे बांध दिया, तो वो जो थैली है ठीक है ना, उसका कोई एक स्पेसिफिक कोई आकार है ही नहीं, है ना, तो वो एक तरह से कैसा ठोस हो गया? अक्रिस्टलीय। लेकिन मैंने एक बर्फ का टुकड़ा रखा ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे? उसे क्रिस्टली तो बोलोगे। तो इस तरह का स्वरूप, जैसे हीरा है, उसकी ज्यामिति निश्चित है, आकार निश्चित है ठीक है ना, उसमें कार्बन का अरेंजमेंट और पूरी उसकी, जब आप पढ़ते हैं कि दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय ठीक है ना, ग्रेफाइट की जब आप ज्यामिति पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं षटकोणीय वलय एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है दुर्बल सहसंयोजक बंध के द्वारा, तभी तो उसमें फिसलनशीलता पाई जाती है ठीक है। इसी तरह से तो मेरे दोस्तों जिन क्रिस्टलीय शब्द आ गया, मतलब जिसमें ज्यामिति, जिसकी ज्यामिति निश्चित हो ठीक है ना, जिसका एक निर्धारित स्वरूप हो मेरे दोस्तों, ये याद रखना, आप कभी भूलना मत। तो देखिएगा, अब मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि ये प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है, जैसे मैं ऑप्शन क्वेश्चन दे रहा हूं, निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है या कौन सा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, ऐसा प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। पहला ऑप्शन लिख दिया स्टार्च ठीक है, या मंड। दूसरा ऑप्शन लिख दिया शक्कर। तीसरा ऑप्शन लिख दिया जो है हीरा ठीक है, और चौथा ऑप्शन रख दिया मेरे दोस्तों ग्रेफाइट। अब आप ही मुझे बताइए इनमें से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, कौन सा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, यानी कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस है स्टार्च यानी मंड। लेकिन याद रखना, चीनी जो है ना, शक्कर, वो एक तरह की क्रिस्टलीय ठोस है, हीरा क्रिस्टलीय ठोस है, नमक क्रिस्टलीय ठोस है, ग्रेफाइट क्रिस्टलीय ठोस है। मेरे दोस्तों ये 5-7 उदाहरण आप याद जरूर रखना ठीक है। अब हम बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की ठीक है ना। वैसे तो मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी कि गलनांक और क्वथनांक की जब जब भी बात आएगी मेरे दोस्तों, तो गलनांक का मतलब होता है, गलनांक का मतलब वो ताप जिस पर कोई ठोस किसमें बदल जाए, द्रव में, और क्वथनांक का मतलब वो ताप जिस पर कोई ठोस किसमें बदल जाए मेरे दोस्त, सॉरी, कोई द्रव किसमें बदल जाए, गैस में ठीक है ना। तो याद रखना, जब भी आपसे गलनांक और क्वथनांक की बात करें, तो यहां पर जो गलनांक और क्वथनांक के वक्र की मैं बात करूंगा तो वो फिक्स नहीं होगा, तो यहां एक तरह से असमानता आपको देखने को मिलेगी, जिसकी बात मैं नीचे करूंगा ठीक है ना। और मैं बात कर ही लेता हूं कि इनके अंदर देशिकता यानी जो शीतलन वक्र होते हैं या कणों का जो अरेंजमेंट होता है उसकी अगर बात करूं एक डायग्राम बना करके, तो यह बात आपको समझ में आएगी मेरे दोस्तों। जैसे मैंने ये आकार बनाया, आप देखिएगा, मैंने यहां पे कणों का ये अरेंजमेंट रखा ठीक है, इसके बाद में मैंने इसके ऊपर लाइट डाली यहां पे, तो जैसे ही मेरे दोस्तों यहां पर मैं लाइट डालूंगा तो वो लाइट सामने की तरफ निर्गत होगी ठीक है ना। तो यहां पे जो है हर एक कण एक दूसरे के बाद एक निर्धारित स्वरूप में अरेंज है ठीक है, और एक मैंने नीचे की तरफ एक आरेख और बनाया जिसमें कणों का तो कोई फिक्स विन्यास है नहीं ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थिति में यहां पर चाहे आप कोई भी डायरेक्शन से प्रकाश डालोगे तो सामने की तरफ जो निर्गत प्रकाश है कुछ उनका इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, जहां पे फैलता हुआ प्रकाश दिखेगा ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक अलग ही प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, अगर आप इस डायरेक्शन से डालेंगे तो प्रकाश का स्वरूप अलग होगा, और कोई दूसरी डायरेक्शन से डालेंगे तो प्रकाश का स्वरूप अलग होगा। तो यहां देशिकता असमान प्रकार की है, और यहां पर देशिकता क्या है, समान प्रकार की है
ठीक है। यहां जो शीतलन वक्र इनका प्राप्त होता है वो असतत होता है। असतत का मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि जैसे कि आप किसी भी ठोस को ठीक है ना या तो गर्म करें ठीक है और द्रव में बदलें और फिर द्रव से वापस उसे किस में बदलने का प्रयास करें ठोस में, तो ऐसी परिस्थिति में जब तापमान और समय के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो ऐसी परिस्थिति में इसका जो वक्र प्राप्त होता है मेरे दोस्तों वो एक ही प्रकार का नहीं होता, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो वक्र है वो कुछ इस प्रकार का प्राप्त होता है, रेगुलर वक्र देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछे कि सतत रूप से वक्र शीतलन वक्र किसका, तो याद रखना अक्रिस्टलीय ठोस का और असतत किसका, क्रिस्टलीय ठोस का। मेरे दोस्तों एक बात आपके सामने और रखना चाहता हूं, वास्तविक ठोस किसको कहते हैं, वास्तविक ठोस किसको कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को, लेकिन मेरे दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस को सॉलिड लिक्विड कहा जाता है, याद रख लेना, ठोस द्रव कहा जाता है या अति शीतित द्रव कहा जाता है मेरे दोस्तों, याद रख लेना। दो तीन बात आपके सामने रखना चाहता हूं जिनसे इनसे रिलेटेड कुछ बातें आपकी और क्लियर हो सकती है। सुनिए मेरे प्यारे भाइयों, यहां पे कुछ बातें आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि जब भी बात ठोस की आए तो एक बात ये याद रखनी कि इनकी ज्यामिति, इनका जो आकार है वो हमेशा फिक्स होगा, इनकी ज्यामिति निश्चित होगी। इसके अलावा जब भी मैं बात करूंगा कि इनके अंदर कणों की व्यवस्था की, ठीक है, जैसे कोई कार्बन से मिलकर बनने वाला कार्बन का अगर अपर रूप भी है तो उसमें जो कार्बन का अरेंजमेंट है वो भी फिक्स होगा। मैं कहना यह चाहता हूं कि कणों का अरेंजमेंट भी निश्चित होगा, ठीक है। तो जहां पर भी आपको कोई ऐसा ठोस दिखे जिसकी ज्यामिति फिक्स हो, जिसका स्वरूप निश्चित हो, जिसमें कणों के बीच का विन्यास, कणों के बीच की दूरी समान हो, कण एक निर्धारित पैटर्न में व्यवस्थित हो, तो वो क्रिस्टलीय ठोस होगा। चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो हीरा हो, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो फुलेरीन हो, चाहे कोई और घटक हो। लेकिन कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूं, अगर आपसे कांच के बारे में पूछे क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना, अगर आपसे स्टार्च या मंड के बारे में पूछे क्रिस्टलीय ठोस है, अगर आपसे आयोडीन के बारे में पूछे क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। अधिकांश जितने भी प्रकार के लवण होते हैं, चाहे वो कैल्शियम सल्फेट है, चाहे वो सीजियम क्लोराइड है, ठीक है ना, या और कोई घटक है, वो क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये जानकारी किसके बारे में थी मेरे दोस्तों, ये थी ठोस के बारे में, यानी सॉलिड स्टेट के बारे में। आज केवल और केवल मुझे इस एक क्लास के माध्यम से इस टॉपिक को स्टार्ट करवाना था, शुरू करवाना था, और टॉपिक मैंने शुरू करवा दिया है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो नॉर्मली जो अपने गांवों की तरफ प्रस्थान कर दिए होंगे दीपावली की छुट्टियों में, तो वो भी वापिस आ रहे होंगे या रास्ते में होंगे। ऐसे बच्चों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को पुनः स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके फॉर्म को लेकर के बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि इस अगले मंडे या ट्यूसडे को आपके फॉर्म निकल जाएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों जिन बच्चों ने अभी डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करवाए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा के रखें, फॉर्म जैसे ही निकले उसके एक दो दिन में फॉर्म भरवा करके अपनी पढ़ाई को पुनः कंटिन्यू कर लेना मेरे दोस्तों, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और यूनिवर्सिटी इस बार बहुत ज्यादा समय आपको देगी नहीं। तो कोई ये नहीं सोचे कि पहले फॉर्म निकलेगा बाद में मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, तो ऐसा आप सोचना नहीं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, नीट के बच्चों जितने भी हैं मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि किसी के अगर नंबर बहुत कम आए हैं, ठीक है, और आप अगर इस लाइन में आना चाहते हैं तो आप भी फॉर्म भरवा सकते हैं। अभी तक आरयूएचएस के फॉर्म नहीं निकले हैं, या आप पंजाब हरियाणा यूपी एमपी से हैं तो वहां पर भी कुछ यूनिवर्सिटी है जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं निकाले हैं। राजस्थान में जीएनएम, पैरामेडिकल, इसके अलावा फार्मेसी, बीएससी नर्सिंग, एएचडीपी, किसी का भी गवर्नमेंट कॉलेजों का फॉर्म अभी तक नहीं निकला है, ठीक है ना। तो इसलिए सभी के सभी फॉर्म इस दीपावली के बाद में आ ही रहे हैं, तो दीपावली चली गई है और फॉर्म आने वाले हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब जस्ट अगले चार मिनट बाद बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होगी, इसलिए आपसे अनुरोध करूंगा मेरे दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना। मैंने फिजिक्स की क्लास आपके लिए शुरू जरूर करवा दी है, यदि आपको फिजिक्स की क्लास में कुछ भी दिक्कत होगी समझने से रिलेटेड उसका समाधान मैं कराऊंगा,
और एक आध फैकल्टी आपके लिए लेके आएंगे, आप निश्चित रहना, ठीक है। तो आपको हर एक चीज बढ़िया तरह से समझाएंगे, ठीक है। आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप हमारे प्रति पॉजिटिव रहिएगा मेरे दोस्तों। हम हमारी ईमानदारी से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे मन में हमारे दिल में किसी भी प्रकार की आपके प्रति कोई खोट नहीं है। और मैंने तो मेरे दोस्तों बायो की अगर बात करूं तो 3 आनुवंशिकी के टॉपिक करवा दिए हैं, एक फोटोसिंथेसिस का 4 टॉपिक करवा दिए हैं, 5वां टॉपिक पादपों में श्वसन चल रहा है, ठीक है ना। और ये इसी तरह से 2-2, 3-3 क्लास में एक एक टॉपिक होता रहेगा, ठीक है। सिलेबस तो हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा मेरे दोस्तों, अभी तो 20 क्लासें हुई है, काफी मैंने बायो में पढ़ा दिया है, ठीक है। केमिस्ट्री का भी ये टॉपिक 2-3 क्लास का है, इसके बाद नया और टॉपिक शुरू करा देंगे। एक केमिस्ट्री की फैकल्टी और है जो आने वाले समय में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करवाएगी। तो मेरे दोस्तों हमारा पूरा प्रयास है समय पे सिलेबस करवाने का, और मैं पूरा प्रयास कर भी रहा हूं। तो और मैं अनुरोध करूंगा जिन बच्चों ने एम्स से बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरा है, या एम से पैरामेडिकल का फॉर्म भरा है, या आरयूएचएस से फॉर्म भरना चाहते हैं, आपने अभी तक यदि हमारे टीम के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर नहीं लिए हैं, तो मेरे दोस्तों आप जरूर मॉडल पेपर परचेज करें। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप मॉडल पेपर प्राप्त करें, ठीक है। हमें सपोर्ट करें मेरे दोस्तों, हमें सपोर्ट की बेहद जरूरत है, हम आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। तो आप डेली अपने स्टेटस पर यह वीडियो जरूर डालें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपका फ्यूचर ब्राइट हो मेरे दोस्तों।